उत्तर पूर्वी दिल्ली के गामड़ी गांव में सुमित नाम के युवक की 10 जुलाई की रात बेरहमी से हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 10 जुलाई की रात बदमाशों ने सुमित की चाकू के 17 वार से हत्या कर दी थी। अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, आप देख सकते हैं किस तरह से सुमित पर 10 सेकंड में 17 बार चाकू से हमला किया। ये दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सुमित किस तरह से खड़ा हुआ है और उसके साथ एक युवक बात कर रहा है, तभी उसके पास एक शख्स आता है और सुमित पर वह ताबड़तोड़ चाकुओं से सुमित पर वार करना शुरू कर देता है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 10 सेकंड में 17 बार सुमित पर चाकुओं से हमला किया। परिवार में पिता महिपाल चौधरी के अलावा पत्नी व 3 साल का बेटा है। जिम चलाने के अलावा सुमित का टूर एंड ट्रेवल का कारोबार था। 10 जुलाई की रात को जब सुमित घर लौट रहा था, इस बीच उसकी हत्या कर दी गई थी। सुमित के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बनाया। जाइस बीच डीसीपी ने बताया कि हत्या में शामिल मुख्य आरोपी सलमान उर्फ सल्लू अभी फरार है, पुलिस अभी उसकी तलाश में जुटी है। परिवार में पिता महिपाल चौधरी के अलावा पत्नी व 3 साल का बेटा है। जिम चलाने के अलावा सुमित का टूर एंड ट्रेवल का कारोबार था। 10 जुलाई की रात को जब सुमित घर लौट रहा था, इस बीच उसकी हत्या कर दी गई थी। सुमित के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बनाया। जाइस बीच डीसीपी ने बताया कि हत्या में शामिल मुख्य आरोपी सलमान उर्फ सल्लू अभी फरार है, पुलिस अभी उसकी तलाश में जुटी है। 3 टीम हमने लगाई है इसके अंदर और बहुत जल्दी जो है सारे मुलजिम अंदर होंगे और बिल्कुल प्रॉपर सेक्शन के अंदर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और मैं अपने साथियों को, मेरे भाई हैं सभी, इनको पूरा आश्वासन देता हूं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसा संदेश दिया जाएगा इलाके के अंदर दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो सके और बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। सारे जितने भी मुलजिम हैं और भी हम जो लोकल इंटेलिजेंस है, लोकल हम अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, उसमें भी नाम आ रहे हैं, एक एक मुलजिम को बंद किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, इस बार हम ऐसा कड़ा संदेश देंगे कि जितने भी यहां पे अपराधी हैं जो बार बार ये घटना को अंजाम दे रहे हैं वो भूल जाएंगे सब ऐसा करना।